आदाब स्ट्रेट लाइन में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरीके से खासतौर पे पूरे भारतवर्ष में सियासत का बिगुल बजने वाला है, जिसका मतलब यह है कि लोकसभा के इलेक्शन जो है आने वाले हैं, और कुछ पोर्टल्स के ऊपर जो है बाजाबता लोकसभा की डेट्स भी आई थी, लेकिन उसके बाद इस पर क्लैरिफिकेशन आई कि अभी लोकसभा के चुनावों का कोई भी डेट जो है नोटिफाइड नहीं की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अब बात हम करते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा जब खत्म होने वाली थी, जब आखिरी बजट सेशन खत्म होने वाला था, तो जो एसटी के जुमरे में जो पहाड़ियों को लिया गया, बहुत बड़ा फैसला था। पिछले 30-40 सालों से ये लोग लड़ रहे थे, ये लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे खासतौर पर कि पहाड़ियों को एसटी मिले, और आखिरकार केंद्र सरकार ने जो वादा किया था कहीं ना कहीं पूरा कर दिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन जी, इनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि कानून के हवाले से किस तरीके से जो है पहाड़ियों को जो एसटी देने का मुतालबा था, क्या ये सही था, और खासतौर पे जो चुनाव आगे आने वाले हैं, क्या उसमें पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलेगी, जो एसटी रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है देने के लिए, और उसके बाद जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें भी बाजाबता जो है रिजर्वेशन मिलेगी, वो पंचायत इलेक्शन हो या कॉर्पोरेट इलेक्शन हो, इन सब में रिजर्वेशन मिलेगी। तो नितिन जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद सर, थैंक यू। पहला मेरा सवाल यही आपसे है कि इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद आपको आखिरकार जो है एसटी मिल गई है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये एलीट क्लास है, इनका कोई कल्चर नहीं है, ये जो है कहीं ना कहीं जो कमीशन बनाई गई थी उस कमीशन में भी कुछ घोटाला किया गया, तब जाके इनको एसटी दी गई, तो आपका क्या कहना है लीगल तरीके से? सर देखिए, जो आपने बात कही है, आए दिन जैसे आपने ऑनलाइन पोर्टल्स की बात की या किसी प्रिंट मीडिया के हवाले से भी लोग देखते हैं, और बड़े से लोग इस बात को जो है कि हमें तो लगता है कि अननेसेसरी हाइप देते हैं, और खासकर जो आपने कहा कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट से देखें, तो ये लड़ाई सर आज की नहीं है। आज की डेट में हम कहते हैं कि कमीशन को बनाया गया, शायद कमीशन को कोई हिदायत दी गई होगी, और उससे पहले भी 2014 में जाए तो वहां पर पीरजादा मीन कमीशन की बात करें, उससे पहले भी जितने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के अंदर जो गवर्नर्स थे या सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो भी किसी तरीके से इसको बेचती रही सेंटर, और लेकिन किसी ने इतनी बारीकी से समझने की कोशिश नहीं की। वो एक लिप सर्विस थी, सेंटर में भेजा जाता था, वहां से रिजेक्ट हो जाता था, उसके बाद कोई कोशिश नहीं की जाती थी कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दूसरी बात ये देखिए कि 1989 में जब यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज को एसटी मिला है, तब पहाड़ी जो है वहां पर नंबर वन पे था, तो 89 में जो सरकारें वो भाजपा की सरकार नहीं थी, दूसरी सरकारें थी, वहां पर भी जो कमीशन थे, वहां पर भी जो आज की डेट में जो लोग लिमिनरीज थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ये जो लोग हैं बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बैकवर्डनेस का शिकार है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, और भी ऐसे बड़े क्राइटेरियाज थे जिसकी वजह से ये ट्राइबल स्टेटस जो है इनको मिल सकता है, और एक डिस्टिंक्ट कल्चर है हमारा, हेरिटेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज भी है, तो उसके बेसिस पे 89 से जदोजहद शुरू है, और उससे पहले भी 70s में ही पहाड़ी जो ट्राइब के लिए जो आवाज थी वो कश्मीर के एरिया से आप ले लीजिए, और जब राजौरी पुंछ के स्पेसिफिक एरिया से ले लीजिए, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी थी, और हम बहुत ही तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का और खासकर होम मिनिस्टर साहब का, खासकर होम मिनिस्टर साहब राजौरी की रैली में, बारामूला की रैली पे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि पहाड़ीज को रिजर्वेशन जो है हम देंगे, क्योंकि उनका हक है, और बड़ी देर से ऐसी कम्युनिटी है जो कि डिप्राइव्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट से या लीगल एस्पेक्ट से मुझे लगता नहीं किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश थी कि इनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, बट एक चीज की कमी थी जिसको पोलिटिकल विल कहा जाएगा, वो पोलिटिकल विल इस सरकार के अंदर थी, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमारा रिजेक्शन इस बेसिस पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया था कि ये पहाड़ी स्पीकिंग के बेसिस पे भाई आप कैटेगरी बेसिस के ऊपर, हालांकि वो था नहीं, उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके बार बार भेजा जाता था। बाद में जब इसके अंदर देखा गया कि इसके अंदर पूरे वो ट्रेड्स हैं जो कि एक एथनिक ग्रुप के साथ मिलते जुलते हैं, अलाइन करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं, जो आर्टिकल 341 की बात करेंगे या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 15 की बात करेंगे, आर्टिकल 14 की बात करेंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये देखा गया कि इस ग्रुप को आज नहीं, आज से 50 साल पहले ही जो हमें डिक्लेयर करना चाहिए था एसटी के लिए, और लिहाजा आपने तो खास तौर पे अब जैसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आज मास्टर्स कर रहे हैं और खासतौर पीएचडी भी कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में एक्सेल कर रहे हैं, क्या उनको भी आने वाले वक्त में, क्योंकि अब एसटी तो अनाउंस हो गया, अभी तक स्टेट ने अभी तक जो है फॉर्मल तरीके से कितना प्रतिशत जो है बाजाबता यहाँ पे स्टेट में मिले, क्योंकि 4% तो ऑलरेडी पहाड़ स्पीकिंग पीपल को मिलता था, अब आपको क्या लगता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके से इस कोटा को जो है स्टेट में जो है एस्टैब्लिश किया जाए और कितना तक के कोटा होगा? देखिए सर, जैसा कि आपने कहा तो हम भी डिफरेंट माध्यम से जो है, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
या जिन लोगों से बातचीत होती है, तो इवन के ऑनलाइन भी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक न्यूज था कि 10% तक भी कटा दिया जा सकता है। मैंने आपसे सवाल पूछा, तो अभी तो जब तक ब्लैक एंड व्हाइट में होता नहीं तो हम बिल्कुल बारीकी से या बिल्कुल पक्के तरीके से तो नहीं कहेंगे कितना प्रतिशत है, बट 10% के लगभग जो है इसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, गद्दा ब्राह्मिन्स है, उसके बाद पाटरी ट्राइब है हमारे पास, कोलीस है, उनको मिलेगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से, या आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में लोगों को कैटेगरीज या लोगों को बाकी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि वाजिया तौर पे एलजी साहब ने आज नहीं, आज से 15 दिन पहले ही कहा कि यूटी गवर्नमेंट भी एक जल्दी से जल्दी एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि जो ट्राइबल प्लान्स हैं, जो चाहे वो गांव के एरियाज के हैं, ट्राइबल सब प्लान बनते हैं, या ट्राइबल के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो सब्सिडीज के हवाले से हैं, चाहे और भी किसी तरीके क्लब या मॉडल स्कूल है, उसके अलावा जो है हॉस्टल्स है, तो उसमें नितिन जी एक और दिक्कत थी, जैसे पहाड़ी हॉस्टल बनाया गया बाजाबता, क्योंकि गुजर बकरवाल हॉस्टलों को जब हम देखते हैं वो एसटी के जुमरे में थे, उनको पीजी के बच्चों को भी वहां पे दाखला मिलता था, उनको जगह मिलती थी, लेकिन हमने पीछे एक मसला देखा कि पीजी के बच्चों को वहां जगह ही नहीं दी जाती थी। और सबसे मैं ये कहूंगा खुशामद बात यह है कि पहाड़ी हॉस्टलों के जो वार्डन हैं वो गुजर और बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उनके जो मतलब खैर खां हैं एक किस्म का जो हॉस्टलों का ख्याल रखते हैं वो गुजर बकरवाल तक कबीले से रखते हैं। तो आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं जो है अगर पहाड़ी हॉस्टल है वहां पे पीजीज के लिए भी कोटा बढ़ाना चाहिए बाजाबता, उन हॉस्टलों को जो है जो किराए पे लिए गए हैं उनको भी जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहां जहां पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए नए हॉस्टलों की तामीर की जाए, उनके लिए स्कूल्स की तामीर की जाए, और खासतौर पर जो वार्डन है या जो वहां के खैर खां हैं उनको भी कहीं ना कहीं पहाड़ी लोगों को ही लगाया जाए। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अगर एक ऐसा ग्रुप है जो डिप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, तो खासकर उसी तबके के लोग उसका ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से रखें। बिल्कुल। दूसरी बात आपने ये कही कि पीजी स्टूडेंट्स के लिए या बिल्डिंग्स जो है रेंट पे हैं या उनकी हालत ठीक नहीं है, तो ये दर्शाता है कि जो पहले लोग थे उनका ख्याल कितना इस कम्युनिटी के लिए था, ये सामने दिखता है, क्योंकि पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड भी था और लगभग जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू ही यूज किया जाता था। आज के डेट में लोग कहते हैं कि जी जो ये गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी है जी, देखिए इन्होंने एसटी दिया है, उनके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। तो मुझे लगता है कि पुरानी गवर्नमेंट्स जो थी उनका पॉलिटिकल मोटिव सामने था, वो सिर्फ एक लिप सर्विस के लिए एक पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना देते थे, फंड्स बड़े कम थे, और जितनी स्पेस होगी तो पहला कोशिश ये की जाती है कि यूजी स्टूडेंट जो है उनकी तादाद ज्यादा होती है, पीजी लेवल पे कम लोग आते हैं, तो बड़ी मुश्किल से यूजी के लोग अकोमोडेट हुए। दूसरे नंबर पर यह चीज है कि उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़ा सा रोल था, और क्योंकि जो जिन लोगों के पास पहले से कैटेगरी थी तो ऑब्वियस है कि उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमें उनकी केयर ज्यादा करनी है। पीएसपी तो आज से 4-5 साल पहले आई है, इससे पहले पहाड़ी एक नाम था, पहाड़ी लोग अपनी जदोजहद लड़ रहे थे, एक एडवाइजरी बोर्ड था, उसके अलावा पहाड़ीज के पास कोई भी ऐसा रिड्रेसल सेल नहीं था, एजेंसी नहीं थी जहां जाके वो अपनी मुश्किलात जो बता सके या उनका ग्रीवियस रिड्रेसल हो। जी, आपको लगता है कि इस सरकार में खासतौर पर एक चीज तो सब मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बोलते हैं वो करते हैं और जो सीना ठोक के बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो आपको लगता है कि आज कोई ऐसा आश्वासन दिया जाता है जैसे पहाड़ी लोगों की, भाई आप महल खड़ी कर देंगे, हम ये खड़ी कर देंगे, और आने वाले वक्त में शायद पहाड़ी लोग फिर वही हालात हो जाए, उनको वो महलें ना दिखें। जैसे मैं बात कर रहा हूँ हॉस्टल्स की, मैं बात कर रहा हूँ जो है कहीं ना कहीं ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पे होनी चाहिए, अब इतनी पॉपुलेशन ट्राइबल की हो गई है कि भाई अब तो कहीं ना कहीं एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, आपको नहीं लगता है? सर ये देखिए आपने ठीक कहा, लेकिन एक कॉमन मैक्सिम है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट फिर भी जो ये काम है ये मुझे लगता है एक मील का पत्थर है कि कैटेगरी देने के बाद एसटी के जुमरे में जो आ गया, देखिए इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी की किसी ने पीजी में एडमिशन लेना है, किसी ने यूजी में लेना है तो सिर्फ वहां जरूरत है, इम्प्लॉयमेंट में भी, प्रमोशंस में भी, इवन जो दो जो लोग जो आज की डेट में स्टार्टअप्स का इनोवेशन का कल्चर है या कोई इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स में कुछ आप देखेंगे कि वहां जमीन देने से लेकर वहां पर कारखानों के लिए सब्सिडी देना, तो वो सारे के सारे जो ट्राइबल प्लान की बात की, जो एलजी साहब ने भी कहा कि ट्राइबल प्लान के अंदर सारे के सारे बेनिफिट्स ये जो नए ग्रुप इंक्लूड हुए हैं पहाड़ी एथनिक ग्रुप, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जब गुजर बकरवाल एसटी था जब उनको कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, उनको पता ही नहीं था जो बेचारे बकरी चला रहा है उसको पता ही नहीं था कि जो बैठे हुए शेर हैं वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं एक तो ऑनलाइन के माध्यम से भी और आने वाले वक्त में जिस तरीके से केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी काम कर रही है, तो जितने भी फवायद थे जो भी फायदे मिलते थे एसटी के लिए, आपको लगता नहीं कि आने वाले वक्त में ग्रॉस रूट लेवल तक लोगों तक वो फायदे मिलेंगे? तो देखिए आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया और इसके लिए एक बड़ा चिंतन किया गया, आज नहीं आज से एक महीना पहले हमारी एक मीटिंग हुई राजौरी में भी जम्मू में भी,
और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्राउडली मैं कहूंगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के हैं, या तो सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत पुराने जो कि ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, खुद स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट लीडर भी रहे, और मैक्सिमम लोग लॉ ग्रेजुएट हैं और स्टेट के अच्छे अच्छे ओहदों पे भी, लाइक एहसान मिर्जा साहब को देखिए, एडवोकेट जनरल रहे, विक्रांत जी हैं हमारे, गुरुदेव जी हैं, और जो सीनियर साथी हैं जो भी फार्मर गवर्नमेंट में एमएलसी भी रहे, वो सारे के सारे कानून को बारीकी से जानते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं। और आज एसटी लेने के बाद हम लोग शांत नहीं है, अब हमारा स्ट्रगल बड़ा है। अब हमारे साथ ये है कि हमें एज ए गेट कीपर काम करना है कि इसके जो बेनिफिट है लास्ट लाइन तक पहुंचे, क्योंकि आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल या सब्सिडी या एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम मिलती थी, लेकिन गुज्जर तबका में भी जो कुछ लोग थे जो अवेयर थे, तभी तो कह रहा वो जो थे जिनको मालूम था वही फायदे ले लेते। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारा काम ये है कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को माना है, और अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि आज की डेट में जैसे आपने कहा कि कुछ लीड तबका है, जिसके पास पैसा है, कुछ लोग अच्छे शहरों में रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 20% तबका अगर किसी कम्युनिटी का, किसी ट्राइब का एक फॉरवर्ड जो है प्रोग्रेसिव या एक एलिटिस्ट जिसको सेक्शन आप कहेंगे उसमें है, इसका ये मतलब नहीं कि 80% को आप कैटेगरी नहीं देंगे। तो 20% लक की वजह से या स्पेशल उसके सर्कमस्टांसिस या किसी के पुश की वजह से, मोटिवेशन की वजह से शायद कहीं पहुंच गया, लेकिन 80% वही है। अब हमारी जो ट्राइब एसपी फोरम है, हम सब लोगों ने किया है कि ब्लॉक लेवल तक भी हमारी यूनिट आज भी है कि वो लोगों के घर जाके, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए क्या बेनिफिट है, औरतों के लिए क्या सहायता हो सकती है, मतलब पूरी एक आप ज्वाइंट कैंपेन चलाएंगे आने वाले वक्त में कि हर एक पहाड़ी जुमरे का जो व्यक्ति है जिसने स्ट्रगल के साथ हमेशा शाना बशाना चलाया उस तक वो फायदा पहुंचे। आखिरी सवाल मेरा कि आने वाले वक्त में जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने खासतौर पर पहाड़ियों को बीच में ट्रोल भी किया जाता था कि कैटेगरी मिली नहीं मिली, मिली नहीं मिली, और आखिर पे जो है मार्च के प्रॉपर मैं ये कहूंगा फरवरी और मार्च का जो सेशन होता है उस सेशन में आपको पहाड़ी ट्राइब का स्टेटस मिल गया, आपको लगता है कि लोकसभा में लोग भर चढ़ के, खासतौर पर पहाड़ी लोग भर चढ़ के इसमें वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे और विजय बनाएंगे? सर ये तो देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि रोज राजौरी पुंछ के जो पुराने लीडर हैं बड़ी बड़ी पार्टी से, जो इनका 50 साल का 70 साल का एक रिलेशन था, वो रोज आके आज की डेट में बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो उससे बड़ा सबूत मुझे लगता नहीं है, और खासकर आम लोग जो है, तो मुझे तो लगता है कि आम लोग जैसे आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखिए, फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, और वो उनके लिए जो सेंटर की जो के जो लीडरशिप है उसके लिए इतनी इज्जत है कि उन लोगों को लगा है कि 50 साल 60 साल के बाद कोई आदमी यहाँ आया और उसने इस बात को समझा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आज की डेट में भी, मुझे लगता है कि जो इस सरकार की बात है कि जो पुरानी सरकारें थी, मुझे लगता है कि वो कन्फ्रंटेशन को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि हम लोग जो है चाहे वो जिस एरिया में रहते हैं, गुज्जर है, पहाड़ी है, हम सारे लोग एक ही हैं, हमारा जो कल्चर जो है वो लगभग मिलता जुलता है, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो कुछ भी मिलने का हो, चाहे हम हर जगह पे मौका पे हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन पुरानी जो सियासत थी वो कन्फ्रंटेशन की थी, ये सियासत जो है हार्मोनाइजेशन की है, क्योंकि अब सब एक है तो क्यों ना हम मिलके चलें, क्योंकि वो जो एरिया है राजौरी पुंछ और खासकर उड़ी कंगन ऐसे वाले एरियाज वो ऑलरेडी कटे हुए हैं, और वहां पर आप देखिए कि एक बार इनकाउंटर की बात करेंगे, 2 साल पहले एक इनकाउंटर होता है बीजी में, 17 दिन के लिए पुंछ राजौरी का हाईवे बंद रहता है, और मुझे भी जब जाना था तो मुझे एक अल्टरनेट रूट लेना पड़ा घर पहुंचने के लिए, जो कि 4 घंटे ज्यादा रास्ता। तो एक ऐसा एरिया जो टेररिज्म का शिकार है, सीज फायर वायलेशन का शिकार है, गुड गवर्नेंस इंडिकेटर पे भी देखें पूंछ राजौरी उड़ी कंगन की क्या हालत है, बहुत बुरी। ये सबसे लास्ट पायदान पे पाए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ। मैं तो पूरा आपका इलाका घूमता रहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आने वाले वक्त में आप पूरा यकीन रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ी लोग जो है कहीं ना कहीं एक एज देंगे। इसमें आखिरी एक सवाल और पूछूंगा, ये मैं सियासत के हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या जो बाकी पार्टी अपनी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ी गुज्जर के मसले में शांत रही, और उनके जो दिग्गज लीडर भी थे वो भी बिल्कुल शांत रहे, जब पहाड़ियों को बाजार एसटी भी दी गई तब भी शांत रहे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि उनको भी एहसास हो गया है कि पहाड़ी एक वोट है, जो वोट कहीं ना कहीं वो पहले लेते थे और उस पर सियासत किया करते थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उस पर पर्दा हटा दिया है, अब कहीं ना कहीं उनको वो वाली सियासत भूलनी पड़ेगी? जी सर, आज की डेट में देखिए, आज की डेट में अगर आप ये देखेंगे कि मैं आपका काम करूंगा वो नाराज हो जाएगा, उसका करूंगा तो तीसरा नाराज हो जाएगा,
पॉलिटिक्स का जो बेसिक मीनिंग यही है कि आप कंट्राडिक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ कंट्राडिक्शंस जो है वो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है कि डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे वो है। और खासकर आपका ये मकसद होना चाहिए कि अगर कोई ग्रुप है उसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया और आपको लगता है कि आज किसी अच्छे पायदान पे है, आपको उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आदमी अब पीछे रह गया है। इसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन अंत्योदय का है कि आखिरी लाइन का जो आखिरी आदमी है उस तक कैसे बेनिफिट पहुंचाए। तो अगर एक ही लोग बार बार मुझे लगता है रिपीटेशन होता है, आज पहाड़ी के पास आज सपोजिंगली 20 साल के बाद पहाड़ी लोग जो है सशक्त हो जाते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि और भी जो लोग हैं इस स्टेट के जो पहाड़ों पे रहते हैं या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का शिकार है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, या वो लोग आज भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते या कुछ बैरियर्स हैं, हम चाहेंगे उनको भी मिले। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्बिट है, जैसे आपने जस्टिस शर्मा कमीशन की बात की, जीडी शर्मा कमीशन की बात की, तो उनके पास मैंडेट था कि वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो अगर उनको लगता है कि कोई कम्युनिटी है, कोई ट्राइब है या कुछ पर्टिकुलर उसके बीच में भी सब कास्ट या सब कैटेगराइजेशन की भी आज बात है, वो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड पावर्ड है। इसके अलावा भी ओबीसीज को भी इंक्लूड किया गया और बहुत सारा काम हुआ है। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन जी, जिन्होंने संक्षेप में कहा कि पहाड़ी कहीं ना कहीं इस बारी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे। और जिस तरीके से आज भी खबरें आ रही है, बहुत सारे लीडरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या दीगर और पार्टी के थे, वो भी जो है तैयार है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने में। अब देखना यह है कि लोकसभा में किस तरीके का जो है जादू होगा और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बाजाबता एक बयान भी दिया कि भाई पहले ये कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम जो है अकेले लड़ेंगे, और बाद में उमर अब्दुल्ला साहब ने उसको भी क्वार्टर करके ये कहा कि नहीं, हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। अब देखना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पांचों सीटों के ऊपर अकेला लड़ेंगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन अलायंस के साथ लड़ेंगी, या कोई बातचीत चल रही है। देखते रहे स्ट्रेट लाइन, हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। थैंक यू भाई।